हेलो दोस्तों, डीके मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज जो हम बताने जा रहे हैं वह क्वाड्रिलेटरल के पार्ट समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज के बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो अच्छा से देखते रहिएगा और शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है और सम चतुर्भुज क्या होता है। पहले समांतर चतुर्भुज को देखेंगे, उसके बाद सम चतुर्भुज को देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। चलिए देखिए, हम लिखे हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर मतलब होता है क्या कि जिसकी दिशाएं हमेशा एक रंग हो, कभी भी थोड़ा कम और ज़्यादा नहीं हो, वो क्या होता है? समांतर होता है। जैसे देखिए, हम दो लाइन खींच दिए, ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान होगा, हमेशा समान होगा, यही क्या कहलाता है? पैरेलल कहलाता है, यानी कि समांतर कहलाता है। चलिए अब देखिए समांतर चतुर्भुज की डिफिनीशन लिखेंगे कैसे। जिस चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजा एक दूसरे के समांतर हो, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे देखिए, अब हम लिखते हैं, पहले डायग्राम बना देते हैं। ए बी सी एक देखिए समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें जो है लिखते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज है जिसमें जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी भुजा ए बी के सामने वाला कौन है? सी डी है। तो ए बी जो है ना सी डी के समांतर है और बी सी ए डी के समांतर है, ए डी के समांतर है, ये समांतर का चिन्ह है। दो लाइन ऐसे खींच दीजिए तो ये हो गया समांतर का चिन्ह। यानी समांतर चतुर्भुज में आपको क्या याद रखना है? आमने सामने वाली भुजा एक दूसरे के समांतर होता है और समान भी होता है। देखिए, ये यदि ए होगा तो ये भी ए होगा, ये यदि बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में आपको पता चल गया कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा समांतर और समान हो, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर और समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर और समान हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चलिए इसका हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसके सभी प्रॉपर्टीज को। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज का यदि परिमाप पूछे, थॉट्स देकर के लिखिएगा। पहला पॉइंट, समांतर चतुर्भुज का परिमाप मतलब होता है पूरा माप। परिमाप मतलब पूरा माप, यानी सब भुजा को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। अब देखिए, दू गो ए है, दू गो बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं टू ए प्लस टू बी। इसी में से दो कॉमन ले लीजिएगा तो टू इंटू ए प्लस बी। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप आपका हो गया टू इंटू ए प्लस बी। अब देखिए दूसरा पॉइंट, अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे,
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ए गुने बी, ए गुने बी, ए गुने बी, क्योंकि दोनों भुजा समान होता है, और दोनों भुजा समान नहीं, आमने वाले, आमने और सामने की भुजा समान होता है, यानी कि सामने वाला भुजा क्या होता है, समान होता है, इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए गुने बी, ए गुने बी। चलिए अब इसके नेक्स्ट बातों को देखते हैं। देखिए वह अच्छी बात यह है कि समांतर चतुर्भुज के अंदर यदि कोई चतुर्भुज बना दिया जाए, समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा के मध्य बिंदु, समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर, सभी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाइए, सभी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से बने चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बनता है। देखो तो याद रखना है आपको, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के मध्य, समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा, समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु को मिलाने से समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है, मिलाने से समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है, समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है, समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है। आपको याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज अगर कोई है और उसके मध्य बिंदु को आप मिला देते हैं, देखिए इसके सब भुजा के मध्य बिंदु ले लिए, और सब को जब मिला दिए तो ये पी क्यू आर एस जो है सो क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। तो याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से बने चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग सम चतुर्भुज की कहानी। देखिए अब सम चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज भी बहुत ही अच्छा है। सम चतुर्भुज, सम मतलब जानते हैं आप लोग कि समान, सम मतलब समान, सम मतलब समान। तो देखिए जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं समान तथा प्रत्येक विकर्ण समकोण पर कटती हो तो वह सम चतुर्भुज कहलाता है। देखिए यह एक सम चतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं समान है, सभी भुजाएं क्या है, समान है, और इसका जो विकर्ण है, चतुर्भुज में तो दो विकर्ण होवे करता है, और प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक है, यानी समकोण पर कटता है। ये कोण कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री का, तब न एगो रेखा पर 180 डिग्री का कोण, तो 90 प्लस 90 180, इधर भी 90 प्लस 90 180, तो कितना पर कटता है, 90 डिग्री का, यानी कि समकोण पर कटता है, यानी लंब समद्विभाजक होता है। तो इसकी परिभाषा याद रखना है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक। तो देखो अब जो है जिस चतुर्भुज की हम इसका परिभाषा लिख देते हैं, जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं समान हो, जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं समान हो और
प्रत्येक विकर्ण और विकर्ण और विकर्ण एक दूसरे दूसरे को समकोण पर काटता हो, समकोण मतलब 90 डिग्री पर कटता हो तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान और विकर्ण एक दूसरे के समकोण यानी 90 डिग्री पर कटता हो तो उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। और समचतुर्भुज का डायग्राम तो ये हुआ आपका। चलिए अब इसका जो है सो हम नेक्स्ट टर्म यहाँ पर देखते हैं। अगर इसका परिमाप पूछ दे, समचतुर्भुज का परिमाप, आप परिमाप निकालिएगा। परिमाप मतलब होता है पूरा माप। तो पूरा माप मापने के लिए सभी को जोड़ दीजिए तो चारों भुजा ए ही है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चार गो ए है, वो चारों ए को जोड़ देंगे तो चार ए हो जाएगा। यानी समचतुर्भुज का परिमाप हो गया 4a, यानी इसको हम कह सकते हैं 4 गुने भुजा। और आपको याद रखना है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होता है? समान होता है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होता है। तो आपका परिमाप आ गया 4 गुने भुजा। अब देखिए इसका यदि क्षेत्रफल पूछे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो आपको कैसे निकालना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये विकर्ण की कहानी याद रखना है, D1 और D2। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 × D1 × D2। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × विकर्णों का गुणनफल। यानी D1 हो गया पहला विकर्ण और D2 हो गया दूसरा विकर्ण। D1 पहला विकर्ण, D2 दूसरा विकर्ण। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कभी भी पूछे तो 1/2 × विकर्णों का गुणनफल यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो चलिए आज के लिए इतना ही तक। नेक्स्ट डे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो को।